सुबह से बारिश हो रही है, आई थिंक आई नीड टू गेट आउट। जब मैं इंडिया में था तो सीन ये था कि मैं कॉफ़ी या चाय बिल्कुल नहीं पीता था, एंड जब से मैं सिंगापुर आया हूँ पिछले 1.5 ईयर से, सीन क्या होता है कि आप किसी ना किसी के साथ लंच पे जाओगे, आप खाना मतलब बाहर ही खाते हैं या फिर लंच जब आप करते हो, एंड इंडिया में क्या था, हम लोग अपना लंच खुद ही लाते थे, तो इतना बाहर जाना है अलग से रेस्टोरेंट में जाके खाना होता नहीं था। तब से क्या आदत हो गई है कि अब खाना बाहर खाने जा रहे हो या तो कोक पियो या कुछ पीने का चाहिए होता है खाने के बाद, उस चक्कर में मेरी कॉफ़ी और चाय चालू हो गई है। तो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज प्रणय है एंड मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो फिर वीकेंड आ गया भाई एंड कहीं ना कहीं बाहर जाना था, तो फिर से बाहर चल रहे हैं। आज बहुत स्पेशल जगह जाने वाले हैं, आपने डिस्क्रिप्शन में तो देख ही लिया होगा, एंड कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आप भाई घर से एक तो निकल नहीं पा रहे होते और आप जब निकलते हो तो कुछ ना कुछ भूल जाते हो। मैं तीसरी बार घर के बाहर आ रहा था अभी, एंड क्या है, पहली बार मैं कीज़ भूल गया, दूसरी बार मैं अंदर गया था तो कैमरा के ऊपर जो लेंस के ऊपर जो कैप नहीं लगाता वो भूल गया, तीसरी बार मैं ट्राईपॉड अंदर भूल आया, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं अपने साथ ट्राईपॉड लेके जा रहा हूँ। दैट्स बिकॉज जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं, सो आई थॉट व्हाई नॉट, एंड मैं इस टाइप का बंदा हूँ जैसे ट्राईपॉड बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट कैमरा लेते हुए भी जो शॉपकीपर था वो कह रहा था यू शुड बाय गुड ट्राईपॉड, बट आई वाज लाइक इतने पैसे ट्राईपॉड पे खर्च करो इज़ इट वर्थ इट और नॉट, बट एक्चुअली व्हाट आई रियलाइज्ड इज़ ट्राईपॉड इज़ समथिंग जो हम पे होना चाहिए, एंड लेट्स सी एक दो बार ये भी ट्राई किया, ज़्यादा मैंने ट्राई नहीं किया। एंड निकलते हैं, अब मास्क पहनना पड़ेगा मेरे को क्योंकि अब मेट्रो में जाना है, ठीक है, तो मैं मास्क पहनता हूँ और मैं आपको मरीना बे पे मिलता हूँ, ठीक है। हम लोग मरीना बे पे आ चुके हैं, मेरे पीछे मरीना बे सैंस होटल है, दिस इज़ द आइकॉनिक प्लेस। भाई सिंगापुर आया और ये नहीं देखा तो पैसे वसूल नहीं होते, तो अब प्लान ये है कि मैं जाऊंगा उधर टिकट लेना है। आई गेस टावर नंबर 3 से टिकट मिलता है, वहाँ पे 3 टावर्स हैं, टावर नंबर 3 से मुझे वहाँ से टिकट मिलेगा ऊपर जाने का। वहाँ पर चलते हैं, एंड आई हैव बीन इन सिंगापुर फ्रॉम 1.5 ईयर अब, पर क्या होता है कि हर बार जो सामने बड़ी सी चीज़ दिख रही होती है ना वो इग्नोर ही कर देते हैं कि यहाँ अगली बार चलेंगे, अभी ये देख लेते हैं। ये जो पीछे है ये वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस है ऑफ सिंगापुर, एंड अभी तक गया नहीं, ये या फिर जो सिंगापुर फ्लायर है दोनों में आपको सिटी का व्यू अच्छा दिखता है, एंड वो भी करेंगे बट वो आजकल बंद चल रहा है, सो अभी यहाँ पर चलते हैं, लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है। मैं एक्सपेक्टिंग कि स्काईलाइन बहुत सुंदर होगी, अपने ड्रोन से भी मैं स्काईलाइन का एक व्यू देख सकता हूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ ड्रोन की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, एंड इस बिल्डिंग से नीचे ही उसकी लिमिट है जो मैक्सिमम फ्लाइंग अलाउड है ड्रोन्स की उसमें, तो इतना ऊपर नहीं लेके जा सकते, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो वो एक चीज़ हो जाती है। बट आई होप आज सिंगापुर की स्काईलाइन हमें क्लियरली दिखें, एंड मैं अभी 6:15 हो रहा है, सो आई गेस मैं ऊपर 7 बजे तक पहुँचूंगा। सिंगापुर में रात इस टाइम अराउंड 7:15 के आसपास होती है, तो दिन और रात दोनों का व्यू कवर हो जाएगा, दिस
वॉज माई प्रोस्पेक्टिव। आप थोड़ा सा जल्दी भी आ सकते हैं वहाँ पे, मेरे को लग रहा है अगर वहाँ पे थोड़ा सा क्यू हुआ या रश हुआ तो टाइम लग जाएगा, तो मैं बस रात वाला ही व्यू देख पाऊँगा, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ प्रॉब्लम। बट हाँ, दिन का जो मेरा कवर करने का मोटो था वो नहीं हो पाएगा, बट दैट्स ओके। तो आप थोड़ा सा जल्दी आ सकते हो 7:15, यहाँ जैसे मैंने बताया रात होती है, तो अराउंड 7:15 ऊपर हो आप तो दैट्स अ गुड थिंग। अभी इट्स 6:15, सो वी हैव 1 आवर इन हैंड। चलो ऊपर चलते हैं एंड ऊपर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। यार यहाँ से व्यू तो बहुत अच्छा है, सीन ऐसा है कि आपको ऊपर आने के अराउंड $26 देने पड़ते हैं, जिसके साथ आपको 2 या 3 डिजिटल पिक्चर्स एंड 2 वीडियोस मिलते हैं, डिजिटल वीडियोस होते हैं, मुझे पता नहीं अभी कैसा है, वो एक पास दे देते हैं, तो मुझे कल वो डेवलप होके डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, तो वो चेक कर सकते हो। तो दैट्स द ओनली फी जो आपको देना होता है, आपको टायर नंबर 3 से वो मिल जाता है। एंड उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आप टायर 3 से ऊपर आ जाओ एंड 56 फ्लोर पे है ये डेक। तो मैं जब ऊपर आया था तो मैं बस सामने वाला व्यू एक्सपेक्ट कर रहा था जो मरीना बे का होता है, मैंने पीछे वाला व्यू जो कि गार्डन बाय द बे और डोम का है वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सो दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ से अपना मरीना बराज भी दिखता है, अगर आपने अभी वो वीडियो चेक आउट नहीं करी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड बस ऊपर आके यू कैन आई सजेस्ट कि आप पानी और थोड़ा बहुत खा के आओ, पानी दे के आओ और कुछ थोड़ा बहुत खा के आओ, मुझे भूख लग रही थी सो आई हैड टू ऑर्डर फ्राइज़ यहाँ से। एंड फ्राइज विद अ बियर कॉस्ट अराउंड $22 एंड फिर मैंने सिंगापुर स्लिंग भी ऑर्डर किया, ये क्योंकि मैंने पहले सिंगापुर स्लिंग ट्राई नहीं किया तो मैंने यहीं से ट्राई कर लिया, बिकॉज ठीक ही बनाते होंगे यार, ऐसे ही होता होगा, और जगह ट्राई करो तो फिर वो पता नहीं उल्लू बना रहे होते हैं या सही जगह मतलब एक्चुअल बना के देते हैं। शायद ये बेटर टाइप क्लाश में जैसे आप वॉटका मिला दो, इट्स सिमिलर टू दैट। तो दिस यू विल गेट फॉर $22 एज वेल, 2 मिलते हैं $22 के, बट द गुड थिंग इज़ इफ़ यू स्पेंड लेट्स से $3 मोर यू बाय अ सॉफ्ट ड्रिंक तो आपका 5 माइनस हो जाता है, सो इट विल कॉस्ट यू $20। पर आई स्टिल सजेस्ट, फ्राइज भी बहुत सारे आते हैं ये देख सकते हो आप, बट आई स्टिल सजेस्ट कि थोड़ा सा खा के आओ, मुझे मैं फंस गया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, बट ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा है, यहाँ पे व्यू देखते हुए खाते रहो तो खा के मिलते हैं। भाई तो दारू हो गई है ख़त्म, अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ, जगह बहुत अच्छी है, अगर आप घूमने आ रहे हो तो एक बार आना बनता है, क्योंकि फिर कब घूमने आओगे सिंगापुर पता नहीं, तो ये व्यू देखना बनता है। जब मैं आया था तो मैं बस सामने वाला व्यू सोच रहा था, पर पीछे का व्यू बहुत सुंदर है जहाँ से आपको डोम और गार्डन बाय द बे दिखता है, एंड वर्थ इट है हाँ, पर आपको लेकर या खाने पे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको बताया मुझे बियर का कॉम्बिनेशन मिला जिसमें एक बियर और फ्राइज होते हैं, फ्राइज बहुत सारे होते हैं एंड दैट इज़ फॉर $20, बट इट्स स्टिल एक्सपेंसिव इवन फॉर सिंगापुर स्टैंडर्ड्स। एंड फिर सिंगापुर स्लिंग मैंने 2 ली जो कि मुझे $20 की पड़ी, एंड द थिंग इज़ वो $22 के यू टेक अ सॉफ्ट ड्रिंक टू गेट $5 ऑफ, तो वो $20 की पड़ी। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, पैसे बचा सकते हो यहाँ पे, एंड इफ यू आर ऑन अ बजट तो $26 स्पेंड करो, इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू बी इन, एक बार व्यू देखने लायक तो बनता है भाई। सो आज का ब्लॉग हम यहीं कंक्लूड करते हैं, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, फिर Yeah.